गाइस कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शिवाकांत प्रजापति, आप देख रहे हैं शिवाकांत ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग आए हैं खुसरो बाग। आप देख सकते हैं हम हैं और मेरे साथ गोलू है। हमता है हाईवे है, यहां से 200 मीटर की दूरी पर प्रयागराज जंक्शन पड़ता है। आप लोग यहां से आ सकते हैं खुसरो बाग। आप देख सकते हैं मेन गेट है। अब चलते हैं अंदर, आपको वहाँ का कुछ व्यू दिखाते हैं गाइस क्या रहता है। हम लोग जा रहे हैं अंदर, आप देख सकते हैं गाइस हम लोग जा रहे हैं अंदर। इधर आ सकते हैं क्या मस्त कलाकृतियां हैं, इतना मस्त पेंटिंग वेंटिंग बनाया गया है। यहाँ पर कोई टिकट का चार्ज नहीं है, यहाँ पे आप फ्री में आ सकते हैं, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता। और गाइस हम आपको इधर दिखाते हैं, इधर ये खुसरो बाग खुलने का समय है। आप देख सकते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक। गाइस आप देख सकते हैं तार का या नारियल का पेड़ है, काफ़ी मस्त लग रहा है। जो भी है गाइस यहाँ से आपकी मेन एंट्री होगी, यहाँ से मस्त क्या गजब व्यू आ रहा है गाइस। तो हम लोग आ गए हैं पास में, गेट के पास आ गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ का व्यू। जब हम लोग जा रहे हैं देख सकते हैं मेन गेट है इसका। हम लोग जा रहे हैं बंदर, आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे अपने चहुचक अंदाज में। तो आप देख सकते हैं मैटर हो गया था गाइस अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में। उसके बेटे जहांगीर ने इस मकबरे का निर्माण करवाया और उसको बाग बगीचे का बहुत शौक था, इसीलिए उसने निर्माण करवाया था। यहां पे चार संरक्षित इमारत है गाइस, आप देख सकते हैं शाह बेगम का मकबरा है, वो निसार बेगम का मकबरा है जो बीच में है, उसके पीछे जो है वो खुसरो खां का मकबरा है। और आपको इधर कुछ चल के कुछ व्यू दिखाते हैं गाइस इधर से। और गाइस रील का ये बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, यहाँ पे इंस्टाग्रामर्स और रील्स वाले आते हैं शाम को वीडियो बनाने। तो चलते हैं कुछ इधर का भी वो आपको दिखाते हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे। मकबरा मेरे पीछे देख रहे हैं गाइस, ये है शाह बेगम का मकबरा। शाह बेगम जहांगीर की पहली पत्नी थी, जिनका नाम उनका बेटा हुआ खुसरो, तो उन्हें शाह बेगम की उपाधि दी गई थी, तब उसी के नाम पर इसका शाह बेगम का मकबरा है। इलाहाबाद में उनकी अफीम करने से, कुछ ज़्यादा ही अफीम करने से उनकी मृत्यु हो गई थी। पहला मकबरा के बारे में गाइस आपको हम बता दिए हैं, अब चलते हैं। जो मकबरा देख रहे हैं निसार बेगम का मकबरा है और ये खुसरो खां की बहन थी। और आप इस साइड देख रहे हैं शाह बेगम का मकबरा है। और गाइस इस वाले मकबरे की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी समाधि के तौर पर नहीं लिया गया है, इसका चबूतरे पर सबसे ऊपर बना है। इसकी डिजाइन काफ़ी अच्छी है। 1624 या 1625 में निसार बेगम ने मकबरा खुद अपने लिए बनवाया था। और यहाँ बगल में खुसरो खां का मकबरा है, वो मकबरा भी उन्हीं ने बनवाया था साथ में। अब चलते हैं खुसरो खां का मकबरा आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं वो खुसरो खां का मकबरा है, खुसरो बाग इन्हीं के नाम पे पड़ा है। जहांगीर और शाह बेगम के बड़े बेटे थे और जब अकबर 1605 ईस्वी में बीमार पड़े थे तब खुसरो खां ने गद्दी पर बैठने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन अकबर ने अपने ही बेटे को बैठाया जिनका नाम था सलीम। गाइस इसका बड़ा विरोध किए, जो उन्हें अंधा करके 1622 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसी मकबरे में उन्हें दफना दिया गया। इधर सारे लोग फोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी यहीं घूम रहे थे, आपको कुछ एक अच्छी चीज दिखाते हैं गाइस। आप देख सकते हैं ये डस्टबिन है गाइस, पता नहीं किस जमाने का है, मतलब कितना अच्छा बनाया गया है। इसको ऊपर से ढक के इतना मोटा बनाया गया है, सीमेंटेड मार्बल का बना है। कृपया आप लोग यहाँ पे अगर ऐसी जगहों पर आए गाइस, तो आप लोगों से एक मेरी विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे गंदगी मत करें, या कुछ पन्नी उन्नी कुछ भी हो खाएं पिए तो इसमें डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी जगहों पे कचरा नहीं करना चाहिए गाइस। मकबरों के बारे में तो आपको जानकारी दे दी है इन सब मकबरों के बारे में। अब एक मकबरा उस साइड लास्ट में बता है जो बीबी तमोलन का मकबरा है वो वाला, तो वहाँ का आप चल के कुछ व्यू दिखाते हैं वहाँ। बीबी तमोलन का मकबरा है, जो कि इसमें कोई लेख अंकित नहीं है। फतेहपुर सिकरी से किसी की खुसरो खां की बहन ने बनवाया था इसको, जो कि आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखा दे रहे हैं गाइस। गाइस आप देख सकते हैं इस मकबरे पे यार चींटी की तरह चढ़ गए हैं, जाना वो चींटी लग गई हो इस मकबरे में। आपको इधर का भी कुछ दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं इतने सारे लोग।
तो हम लोगों ने सारा शूट कंप्लीट कर लिया, आपको बचा खुचा इतिहास बता दिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि अब बज रहे हैं शाम के 5, तो हम लोग चलेंगे अभी, जा रहे हैं घर। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए गाइस।